अगर आपने अभी अभी 10वीं पास करी और आप डिप्लोमेटिक इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं, डिप्लोमा से इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं, या फिर 11th पास आउट के बाद आप सोच रहे हैं, या फिर 12th पास आउट के बाद आप सोच रहे हैं, तो आप ज़रूर ये प्रेफर करेंगे कि यार मैं ब्रांच कौन सी लूँ, बेस्ट ब्रांच कौन सी रहेगी, या फिर उसके बाद कौन सी रहेगी। तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार, माई नेम इज़ नरोत्तम नायक एंड यू आर वॉचिंग बिगनर्स ट्यूटोरियल। इट्स ओनली फॉर बिगनर्स। सो दो कंडीशन है, अगर आपको डिप्लोमा के बाद जॉब करनी है या डिप्लोमा के बाद बीटेक करना है। देयर आर टू कंडीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको जॉब करनी है तो जॉब करनी तो सबसे ऊपर जो रहेगी, जो आपकी ऊपर रहेगी ब्रांच, वो रहेगी मैकेनिकल। सेकंड नंबर पे आप इलेक्ट्रिकल भर सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमा के बाद ये दो जो ब्रांच है, मेन ब्रांच है, कोर ब्रांच है, इनके लिए कंपनियां ज़्यादा आती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर, क्योंकि डिप्लोमा में डिमांड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल की है। और थर्ड नंबर पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, ये आपको थोड़ी बहुत जॉब दिला सकती हैं, मतलब इनके लिए कम कंपनी आती हैं, बिकॉज ये दोनों कोर ब्रांच हैं और ये इनकी सब ब्रांच है। और अगर आपको बीटेक करना है तो आप कोई सी भी ब्रांच ले सकते हैं, आप सीएस ले सकते हैं। हाँ, इधर सीएस नहीं ले सकते बिकॉज सीएस के लिए बहुत कम कंपनी आती हैं डिप्लोमा में, बट बीटेक में यू नो व्हाट, आप जानते होंगे क्या है। बीटेक के लिए आप कोई सी भी ले सकते हैं, आप ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हैं, आप प्रोडक्शन ले सकते हैं, आप ऑटोमोबाइल ले सकते हैं, एंड सो ऑन ले सकते हैं, कोई बात नहीं। तो आप आगे करना क्या है, ठीक है, ऐसा रहता है कि मैकेनिकल ले लिए, अब मैकेनिकल में आगे करना क्या, प्रोडक्शन ले ली, प्रोडक्शन में आगे करना क्या। तो मैकेनिकल है जो, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, इनके लिए कंपनी आती है, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। इसके लिए आपको आराम से पढ़ना है, आपको नई नई चीज़ें सीखनी, क्योंकि आपको बीटेक लेवल पे पढ़ना है, आपको डिप्लोमा लेवल पे नहीं पढ़ना है, आपको बीटेक लेवल पे जाना है, इसलिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा। बात हो गई एफर्ट्स की, बट आगे क्या करना है आपको। डिप्लोमा पे सबकी अलग अलग कंडीशन होती है, सबका माइंडसेट अलग अलग होता है, सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। क्या मालूम किसी को पहले जॉब की थिंकिंग हो, बाद में बीटेक की थिंकिंग हो जाए, तो उसके लिए क्या करना है। तो उसके लिए आप जब काउंसलिंग करते हैं तो जो मैंने बताया पहले, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, ये भर दीजिए, कोई बात नहीं। अगर आपका एम सीएस में जाना है कि मैं डिप्लोमा के बाद सीएस करूंगा, तो आप सीएस ब्रांच ले लो, कोई जॉब की मत सोचो, सीएस ब्रांच ले लो, उसमें जॉब नहीं आएगी डिप्लोमा के बाद, बट आप कोई से भी कॉलेज में लेटर एंट्री से जाएंगे, देन आपको सीएस ब्रांच मिलेगी, और ये काफ़ी बहुत अच्छी है, इसके लिए बहुत सारी कंपनियाज आती हैं। तो कंपनियाज नहीं होता, कंपनी होती है ओनली, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। देन आपको मैंने बताया, जैसे अभी सबकी कंडीशन अलग होती है, माइंड सेट अलग होता है, तो आपका कोई सा भी माइंड सेट हो, स्क्रीन पर ये फोटो दिख रही है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, एंड आप मुझसे पूछ सकते हैं कि यार भाई मुझे ये बता दो, मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं आगे क्या कर सकता हूँ, और आगे क्या होता है डिप्लोमा के बाद, आगे क्या होता है, लोगों को पता नहीं रहता है, मुझे भी नहीं पता, मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरफ बिगनर्स हूँ। दिस इज़ बिगनर्स ट्यूटोरियल। थैंक यू।